पाकिस्तान में मंगलवार को इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में अफगान राजनयिकों को भी आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान जब पाकिस्तान का राष्ट्रगान बजाया गया तब अफगान अधिकारी बैठे रहे और खड़े नहीं हुए। इस घटना पर पाकिस्तान ने नाराजगी जताते हुए अफगान राजनयिकों को राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाया है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें अफगान अधिकारी बैठे दिखे हैं जबकि अन्य सभी लोग खड़े हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेजबान देश के राष्ट्रगान का अपमान राजनयिक मानदंडों के खिलाफ है। उन्होंने अफगान महावाणिज्य दूत के इस व्यवहार की निंदा की और कड़ा विरोध जताया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने इस कार्यक्रम में अफगानिस्तान के अधिकारियों को आमंत्रित किया था। दूसरी ओर अफगान वाणिज्य दूतावास पेशावर के प्रवक्ता ने एक बयान में स्पष्ट किया कि उनका पाकिस्तान के राष्ट्रगान का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। अफगान प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रगान में म्यूजिक होने के कारण अफगान महावाणिज्य दूत खड़े नहीं हुए। उन्होंने यह भी कहा कि अफगानिस्तान ने म्यूजिक की वजह से अपने ही राष्ट्रगान पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि अगर पाकिस्तान का राष्ट्रगान बिना म्यूजिक के होता तो अफगान राजनयिक सम्मान में खड़े होकर अपने सीने पर हाथ रखते, इसलिए मेजबान देश के राष्ट्रगान का अपमान करने का कोई सवाल नहीं उठता। Yeah.